वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। आज हम गणपति जी की बहुत ही अट्रैक्टिव रंगोली बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कलर स्प्रेड किया है, ग्रीन कलर। कलर स्प्रेड करने के बाद इस तरह से मैं ये पैटर्न क्रिएट करूंगी। आप देख सकते हो लीफ की इस तरह से पैटर्न क्रिएट करने के बाद ये हमारा लीफ बन गया है। एक्स्ट्रा कलर हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से इस तरह से हम जैसे कि डाल होता है उसका शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा सारे कलर्स हम साइड पर रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो मैं पेंट ब्रश का पिछला हिस्सा यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये ब्रांचेस बनानी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और थोड़ी दूर दूर ही बनाएंगे हम इस तरह से। ओके, इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे स्पून में येलो कलर मैंने लिया है जो मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड करूँगी। इतना कलर ऐड करने के बाद इसको मैं इस तरह से प्रेस करते हुए नीचे की साइड ले जाऊँगी। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे मैं और थोड़ा ही कलर ऐड करूँगी, ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना है। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी इसको एक्सपांड करते जाएंगे और नीचे की साइड हम थोड़ा और कलर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी होती है क्योंकि हम कलर को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करेंगे। पहले आप कोई रफ कलर से ट्राई कर सकते हो और फिर उसके बाद भी आप ये कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो। तो ये हमने गणपति जी का फेस हमने बनाया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से स्पून से ही इस तरह से मैं कलर रखूँगी यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसको सिमिलरली हम इस तरह से प्रेस करके एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे और थोड़ा कलर रखूँगी और इसको इस तरह से एकदम हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दोनों कानों का शेप ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से लेग्स के लिए इस तरह से कलर रखेंगे जिसको हम इस तरह से स्पून से ही प्रेस करेंगे। आपको सिर्फ सेंटर में ही प्रेस नहीं करना है, साइड पे से भी प्रेस करना है इस तरह से। अगर आप सेंटर में ही इसको प्रेस करते रहोगे तो जो टाइल्स हैं नीचे की फ्लोर वो आपको दिखने लगेगी। इसीलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम थ्रू आउट इसको हमें प्रेस करना है इस तरह से। यहाँ पे हम छोटा सा लड्डू के लिए डॉट रखेंगे जिसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और साथ ही में यहाँ पे भी हम ब्लेसिंग हैंड्स के लिए थोड़ा सा कलर रखेंगे जिसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे। और आप जहाँ पे भी प्रेस करो तो ये स्पून की ये वाली जो साइड है, ये साइड वाली, वहीं से ही करना। अगर आप बीच में से करोगे तो वो ज़्यादा प्रेस होगा और कलर जो है वो सडनली एकदम साइड पे चला जाएगा और बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इसी साइड का ये एस इस तरह से शेप देने के लिए मैं ये वाली साइड का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से शेप देना हो तो ये वाली साइड में यूज़ कर रही हूँ स्पून की। यहाँ पे हम छोटा सा दिया रखेंगे इस तरह से। कलर रखने के बाद इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे।
इस तरह से फ्लेम के लिए कलर रखेंगे, जिसको हम वापस इस तरह से प्रेस करेंगे। तो है ना एकदम आसान और ब्यूटीफुल रंगोली। तो बिना कलर को पकड़े हमने सिर्फ स्पून और ये टूथब्रश से अच्छे से हमने ये कलर रंगोली बनाई है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये कोई मोती नहीं है, साबूदाना है जो मैं एज अ आइस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो एकदम नीट एंड क्लीन ये रंगोली गणपति जी की आप ज़रूर ट्राई करना दिवाली पे, गणेश चतुर्थी पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना जिनको कलर पकड़ना नहीं एडजस्ट होता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। और ऐसे ही बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन वाली रंगोली के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।